अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मेरा सेटअप नहीं है। तो सीन ये था ना, अभी मैं खड़ा हूँ अपने प्लॉट पर, थोड़ा काम चल रहा था तो इस वजह से यहाँ था। तो अचानक से मुझे एक मतलब आइडिया आ गया। तो मैं अभी व्लॉग बना रहा था तो उस हिसाब से मैंने बैठे बैठे मुझे ध्यान में आया कि यार बैकग्राउंड साउंड कौन सा लगाऊं। तो उसके ऊपर मुझे एक बात जहन में आई कि यार बैकग्राउंड साउंड को लेके बहुत से लोग परेशान होते हैं, खास करके जो टिकटॉक के जो साउंड्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें टुकड़े टुकड़े होते हैं तो वो बंदे को सिनेमेटिक शॉट देने में मज़ा आता है। तो ये होता है कि उनके लिरिक्स जो होते हैं वो बंदे को नहीं आते, ओनली साउंड होते। तो आज की वीडियो में आपको ऐसा बताने वाला हूँ कि सिर्फ उसका जो साउंड होता है ना, बैकग्राउंड वाला जो साउंड, सिर्फ आप वो मतलब आप कहीं से हाथ कर लो, वहाँ पर सिर्फ जाके वॉइस नोट करो और आपका वो सॉन्ग खुद ही ऐप जो है ना वो ढूंढ कर आपको वो साउंड देगा। तो हमारे यूट्यूबर्स हो गए या हमारे जो टिकटॉकर्स हो गए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले, क्योंकि ये जो वीडियो है ना सबके काम की है। तो मसला ऐसा है ना, देखो आप टाइटल और थंबनेल देख के शायद ना समझो, मैं आपको इसी वे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे साउंड होते हैं जिनका लिरिक्स भी हमको वगैरह मतलब नहीं आता समझ में, और ना ही हमें बोलने में आता है और ना ही वो समझ में आता है, मतलब ऐसी दुखी अंग्रेजी होती है, और वो साउंड ऐसे होते हैं वो ट्रेंडिंग पे चलते हैं, बैकग्राउंड साउंड जिसको हम बोलते हैं इजीली। तो वीडियोज़ की जो जान होती है वो होती है बैकग्राउंड साउंड। तो मतलब मेरे ऊपर यार, मैं अपनी बैकग्राउंड में जैसा साउंड लगाऊंगा उसके साथ मेरी वीडियो जो है ना उतनी ज़बरदस्त बन जाएगी। साउंड के बगैर वीडियो किसी काम की नहीं है। तो साउंड होना चाहिए अच्छे वाला, और अच्छे वाले साउंड हमको जो है ना लिखने नहीं आते, या कभी कभार हम पता नहीं होता कि यार साउंड का जो टाइटल है वो क्या है। तो आज की वीडियो में आपको ऐसा ऐप बताने वाला हूँ, सिर्फ उसको आपको साउंड सुनाओ और वो साउंड आपको खुद ही सर्च करके आपको साउंड इतने तक कि आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो वो एप्लीकेशन आपको सिंपली प्ले स्टोर से मिल जाएगा, उसका नेम जो है वो शज़ाम ऐप है आई थिंक, ठीक है। वो आप ज़्यादा मैं आपको आगे चल के बता, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, तो आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, वो डाउनलोड करना है। उसके अलावा आप जैसे उसको डाउनलोड करोगे ना, तो मैं थोड़ा आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल के दिखा दूँ, तो सारे सीन उसमें हैं। हाँ तो यार देखो, अभी जो मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ ना, यकीन करोगे इतना बेहतरीन, इतना वर्केबल एप्लीकेशन है ना, क्या बताऊँ। जितना मतलब दिल मेरा इस एप्लीकेशन ने खुश किया है ना, उतना समझो ना तो यूट्यूब ना तो पबजी तक ने, मतलब एक जो गेम है ना उसने मेरा दिल इतना खुश नहीं किया। क्योंकि साउंड जो है एडिटिंग के लिए होते हैं भाई साउंड, ठीक है। अब वो साउंड मुझे चाहे लिरिक्स वगैरह तो मुझे आते नहीं थे, ठीक है। तब मैं करता क्या था, तो यार एक बंदे से उस बंदे से पूछ लिया, ये वो किया, या किसी के वीडियो में से थोड़ा सा ही साउंड पर किसी की वीडियो में से उठा लेता था। तो ये होता था कि कॉपीराइट क्लेम पड़ जाता था, कंटेंट जो है ना मेरे उस कंटेंट की माँ बहने को जाती। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर आपको सिंपली सर्च करना है ये शज़ाम ऐप, ठीक है। मैं डेटा ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब शज़ाम ऐप आप जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर सिंपली मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अच्छा यार, इसमें एक वो सिस्टम है कि भाई जैसे मैं शज़ाम ऐप का लिसनिंग ऑन कर रहा हूँ तो मेरा जो माइक है वो ऑफ हो जा रहा है, ओनली जो स्मार्टफोन में जो आपका अपना साउंड चलेगा सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा, उसके बाद आपकी जो अपनी वॉइस वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो इस वजह से मेरा जो वॉइस है वो इसमें स्टॉप हो गया था बिल्कुल। तो वो जो साउंड वगैरह जिस टाइम भी स्टॉप हो जा रहा है, आप समझ लेना, साउंड वगैरह है, ठीक है। मैं सिंपली साउंड सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, और ये ऊपर ढूंढ लिया। फिर आपको करना क्या है कि सिंपली YouTube पर जाओ, और यहाँ पर जैसे आप YouTube में गए, YouTube में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो आपको सर्च है पेस्ट कर देना है, और ये आ गया आपका जी साउंड, ओके हो गया। समझ गए, अब एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहीं पर ही जाके ठीक है, ये हो गया हमारा किधर गया शस्त्र। आपको जाना है YouTube में, YouTube में जाने के बाद आपको वहीं पर ही पेस्ट करना है, और ये आपका आ गया जी साउंड, ओके हो गया।
ओके हो गया जी। और कुछ अगर आपको जानना है या इस एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा, ये तो बस घूमते फिरते मैंने वीडियो बना ली। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं अगेन यही एप्लीकेशन की वीडियो दोबारा बनाऊंगा अच्छे वे में, और सेटअप के पास जाके मतलब अपना जो मेरा सेटअप है वहाँ पर बैठ के बनाऊंगा मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसके अलावा मेरे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते ही किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और यार लाजमी से सब्सक्राइब करते हुए जाना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब लाजमी से करना। अल्लाह हाफिज़।